जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा है आर्टिकल 29 और 30 में। यह अधिकार जो है वह मुख्यतः माइनॉरिटी को मिला हुआ है, अल्पसंख्यक को मिला हुआ है। अब कहिएगा अल्पसंख्यक किसको कहेंगे, ये कौन चिड़ैया का नाम है भाई? अल्पसंख्यक जो होते हैं ना, वह अल्पसंख्यक होते हैं जिसको राज्य सरकार अल्पसंख्यक मानती है ना। भारत के संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक किसको कहेंगे, लेकिन आर्टिकल 30 में ये बात लिखी है कि भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर हम अल्पसंख्यक को बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा धर्म किसी राज्य में जिसकी जनसंख्या बहुत कम है तो उसको कहेंगे माइनॉरिटी, या फिर कोई भाषा बोलने वाले की संख्या कम है तो उसको माइनॉरिटी कहेंगे। अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये राज्य सरकार तय करती है। इसको इसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है कि उसके आधार पे निश्चित हो जाएगा। इसमें आप कहेंगे कि भैया इसको रखा क्यों गया, तो इसको रखा इसलिए गया कि भारत के संविधान जो निर्माता थे, जो बना रहे थे संविधान, उस समय भारत और पाकिस्तान दो भाग में बट गए थे, और वह जो बटा था उसका मुख्य आधार ही था धर्म। धर्म के आधार पे हम लोग बट गए थे, और चूंकि धर्म के आधार पे बट गए तो कुछ माइनॉरिटी लोग भी तो हमारे देश में रह गए ना। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान को नहीं चुन करके इंडिया को ही चुने, और इंडिया में रहना ही उनके लिए अच्छा था और उन्होंने इंडिया को ही इसीलिए चुना, और इसीलिए उनका कुछ संरक्षण भी जरूरी था, उनका प्रोटेक्शन भी देना जरूरी था। नहीं तो माइनॉरिटी लोग उस पे तो हावी हो जाएंगे ना, हावी हो जाएंगे, उनको थोड़ा थोड़ा दबा भी सकते हैं, तो दबा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा भैया। वो तो दबेंगे, भारत के नागरिक ही तो है, अब वो दबाइएगा उसको तो दिक्कत हो जाएगा, भारत को के अखंडता और भारत के जो जो अपनी बंधुता है उसको भी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इंटेग्रिटी को भी तो देखना है ना भारत का, तो टूटने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उनको भी प्रोटेक्शन जरूरी था। तो हुआ क्या भाई कि आप ऐसे भी देखिएगा समाज में, जहाँ पे किसी जाति की बहुलता होती है तो बाकी के लोग क्या करेंगे, उसी जगह पे जमीन लेकर के उसी जगह बसना चाहेंगे जहाँ पे उनकी खुद की जाति और धर्म के लोग होते हैं। उनको वहाँ सेफ महसूस होता है कि चलो अपने लोग सब है। हालांकि ये बड़ा गड़बड़ चीज़ है, भारत में बिना जाति के आप जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, ये बड़ा गड़बड़ बात है। यहाँ धार्मिक विवाद तो ऐसे ही होते रहता है और इसको हवा देने में सरकार भी पीछे नहीं रहती है, लेकिन इसको इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये नहीं है कि भैया हम बहुसंख्यक है तो अल्पसंख्यक को दबा ही देंगे। बहुत सारी बातें होती रहती है कि चलो जो है से कि तुष्टिकरण की नीति अपनाती रही है सरकारें और इस तरह से चीज़ों को करती रही है ना। और बहुत ऐसी सरकारें हैं जैसे कि अभी वर्तमान में वह धर्म के आधार पर पोलराइज भी कर देती है और उसके आधार पर वोट मांगती है। तो भैया अब वो तो सरकार का मामला है, हम लोग यहाँ संविधान को पढ़ेंगे। देखिए संविधान में जो अल्पसंख्यक है उनको कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनको दिया गया था। आर्टिकल 29 एक क्या कहता है, वो कहता है कि नागरिक के किसी भी अनुभाग को, यानी कि जो भारत के नागरिक है उसमें जो वर्ग बटे हुए हैं, सब नागरिक का अलग अलग वर्ग है ना, उस वर्ग में जिसकी अपनी एक भाषा होगी, लिपि होगी या संस्कृति होगी, वह बना के रख सकता है। उसको कोई नहीं कहेगा कि तुम अपना भाषा छोड़ दो, तुम अपनी संस्कृति छोड़ दो, तुम अपना जो है अपनी जो है वो लिपि को छोड़ दो, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि उसको राइट मिला हुआ है उसको रक्षा करने का। अब आप कहेंगे कि भैया ये माइनॉरिटी क्या होता है, तो देखिए माइनॉरिटी जो है वो राज डिसाइड करता है कि कौन माइनॉरिटी हो। जो राज मान लेगा जिसको माइनॉरिटी उसी को माना जाएगा, और जनरली कहा जाता है कि उस राज्य में उसकी जनसंख्या लगभग 10% या उससे भी कम होती है तो उसको माइनॉरिटी का दर्जा है। हालांकि बिहार में देखिएगा तो मुस्लिम 14% के आसपास है, फिर भी उनको माइनॉरिटी का 14% से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, फिर भी उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है। आप देखेंगे क्रिश्चनों को माइनॉरिटी का दर्जा है। अब भाषा के आधार पर देख लीजिए, बहुत सारे लोग बंगाली भी बोलते हैं ना बिहार में तो यूनिवर्सिटी में देखिएगा बंगाली लोग पढ़ते हैं, अब वो तो माइनॉरिटी में है ना, उनकी संख्या कम है, तो उनको बिहार के लिए उनको भाषा के आधार माइनॉरिटी माना जा सकता है। तो उनको है कि भैया आप अपना भाषा लिपि और संस्कृति। अब आप कहेंगे कि भैया ये भाषा क्या, देखिए भाषा के आधार पर बड़ा विवाद पैदा होता है। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा अजय देवगन बोल दिया था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उस फिल्म उलिम जो बॉलीवुड से अच्छा निकल रहा है, टॉलीवुड वाला और साउथ वाला जो मूवी सब है वो सब, तो उसमें जो है वो खिन्न होकर के ये लोग बोल दिया कि हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है और पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये अजय देवगन का है, बड़बोला है, ये जो बोल दिया उसको पते नहीं कि राष्ट्रभाषा अभी तक दर्जे नहीं मिला है हिंदी को अभी राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। खैर अब देखिए लिपि क्या होता है, लिपि जो होता है ना, लिपि होता है ध्वनि को लिखने का तरीका, किस तरह से हम लिखते हैं, ढंग क्या है। भाषा जिस तरह से हम अपनी भावों को अपने विचारों को व्यक्त करते हैं
और उसी तरह से लिपि जो होता है वह ध्वनि को लिखने का तरीका होता है। जैसे हिंदी को कैसे लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी को कैसे लिखते हैं, रोमन लिपि में लिखते हैं। आप देखेंगे कि जर्मनी या फ्रेंच उस सब का भी अपना रोमन लिपि है, उसका अलग अलग है। अब संस्कृत को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उर्दू को देखते हैं नस्तालिक में या अरबी में लिखते हैं, तो फारसी में लिखते हैं, वो अलग 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 सबका अपना अपना है। तो उसको भी बनाए रख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। अब संस्कृति को रक्षा अपना संस्कृति भी बना के रख सकते हैं। संस्कृति का मतलब क्या होता है, देखिए संस्कृति माने होता है अपना एक जीवन जीने का जो ढंग होता है ना, उसको संस्कृति कहते हैं। अब देखिए इसमें आप देखेंगे ना कि हिंदू की संस्कृति मुस्लिम की संस्कृति से थोड़ी अलग होगी, उसी तरह से पंजाबी की संस्कृति बंगाली की संस्कृति से थोड़ा अलग होगा। अब देखें कि रहन सहन में भी अलग होगा, वेशभूषा कपड़ा लत्ता पहनने में अलग होगा, भोजन में कुछ च्वाइस भी अलग अलग होगा, है ना। एगो जो पंजाबी है वो पगड़ी पहनते हैं ना सिख वाले लोग, और आप देखेंगे कि बाकी लोग ये टोपी पहनते हैं मुस्लिम लोग, है ना, ऐसे हिंदू लोग नहीं पहनते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पहनावा भी अलग अलग है, खान पान थोड़ा थोड़ा अलग है, रीति रिवाज थोड़ा थोड़ा अलग है। शादी ब्याह का मैटर होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा उनका अपना एक रीति रिवाज है। तो इस तरह से इसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृति माने अब कोई सलाम ठोक रहा है, वालेकुम अस्सलाम, कोई कहता है नमस्कार, कोई कहता है वाहेगुरु, है ना, कोई कहता है सत श्री अकाल, है ना, तो इस तरह से कुछ गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो सबका अपना अपना है। तो उसको संस्कृति कहते हैं, उसको बना के रख सकते हैं, भारत में उसको आज़ादी है। अब देखिए आर्टिकल 29 जो है ना, कुछ लोग को ये लगता है कि अल्पसंख्यक को मिला हुआ है, सब किताब में तो लिख दिया है अल्पसंख्यक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये अल्पसंख्यक पर ही लागू नहीं होता है, ये बहुसंख्यक पर भी लागू होता है, ये बहुसंख्यक को भी मिला हुआ है ये अधिकार। किसी भी अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबको अपना भाषा लिपि और संस्कृति को बना के रखने का अधिकार है। बहुत अच्छा है, देखिए कितना बढ़िया लिखा संविधान बनाने वालों ने भारत के संविधान को। अब देखिए इसमें इसमें राज्य सरकार ही तय करती है, केंद्र सरकार तय नहीं करती है कि कौन माइनॉरिटी है। केंद्र सरकार को अल्पसंख्यक आयोग होता है, अगर वो सिफारिश कर दे कि कौन अल्पसंख्यक है तो केंद्र सरकार उसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। और अगर केंद्र सरकार उसको मान भी लेती है फिर भी राज्य के आधार पर ही उसका सर्वे होता है और वहीं पर डिसाइड होता है कि कौन होगा अल्पसंख्यक। अब देखिए जैन समुदाय है, जैन समुदाय कहा कि हमको भी अल्पसंख्यक मानिए, जैन समुदाय का सर्वे हुआ तो पता लगा कि जैन समुदाय में बहुत लोग जो है बड़ा संपन्न है, दूसरा बड़े बड़े व्यापारी लोग बने हुए हैं, कोई बिजनेसमैन सब है ना, अच्छा संपन्नता, उसमें पढ़ाई लिखाई का भी स्तर देखिएगा जैनियों में बहुत ज्यादा है, तो उसको माइनॉरिटी का दर्जे नहीं दिया। कहा कि अरे भैया आपको क्या जरूरत है, आपको अपनी भाषा और संस्कृति संरक्षण करने की क्या जरूरत है, आप तो ऐसी बहुत धनी मनी है और आपका तो वर्चस्व है, नौकरियों में भी है आप लोग, तो फिर आपको तो माइनॉरिटी मान करके आपको विशेष प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो उनको नहीं दिया है। तो इस तरह से चीजें चलती रहती है। अब देखिए आर्टिकल 29(2) क्या कहता है, ये कहता है कोई भी सरकारी संस्थान है, स्कूल है, वहां पे धर्म जातीय मूल वंश या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी इसके साथ भेदभाव क्यों करेगा, भैया आप कौन धर्म का मान रहे थे, ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम है तो नौकरी उस जो शिक्षण संस्थान है उसमें एडमिशन नहीं देगा। अब देखिए एक मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट में, आपको हम बता देते हैं, उसमें अंग्रेजी अनिवार्य किया हुआ था कि हम वही बच्चा को लेंगे जो अंग्रेजी बोलेगा। आप देखते हैं ना बहुत सारा स्कूल होता है जो कि कहता है कि अंग्रेजी जानते हैं, वो तो बापू मतारी का इंटरव्यू ले लेता है ससुरा, वो कहेगा बाप मतारी पढ़ा हुआ है तभी एडमिशन लेंगे, वो तो बच्चा को छोड़ दीजिए। तो ऐसे ऐसे कांड चलते रहता है। एक गया कोर्ट में, वो अंग्रेजी रखे हुआ था अनिवार्य, कहा अंग्रेजी नहीं आएगा हम उसका एडमिशन ही नहीं लेंगे। कोर्ट में गया, कहा कि अरे ये तो चलेगा नहीं ससुरा, ऐसे थोड़ी होगा, तुम तो भेदभाव कर रहे हो भाषा के आधार पे, अंग्रेजी अनिवार्य तुम रखे हुए हो तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं समझना कि इसमें एडमिशन से तुम वंचित कर दोगे जिसको अंग्रेजी नहीं आता है। फिर उसको खारिज कर दिया, फिर उसमें एडमिशन हुआ उसका जो हिंदी जानते थे, वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, एडमिशन करना पड़ा, नहीं तो फिर समझा जाता कि धर्म ये भाषा के आधार पर भेदभाव कर रहा है। तो इसमें आर्टिकल 15 में और 29(2) में यही अंतर है कि इसमें भाषा को भी जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 15 में आप पढ़िएगा ना, धर्म के आधार पर मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, तो इसमें वो भाषा जोड़ दिया है, कहा कि उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। अब देखिए इसमें और है, ये देखिएगा कि आंदोलन करने का भी एक अधिकार है। अगर कोई भाषा के लिए अपना आंदोलन कर रहा है कि भैया इस भाषा को प्रोटेक्शन दो, तो वो कर सकता है, वो उसकी आज़ादी है, वो बोल सकता है उसके बारे में। कोई नेता देखते हैं नेतवा सब भाषण उषण जैसी भाषा ये आता है, अभी अजय देवगन वाला जो चला था तो बड़का बड़का नेता माइक लेके शुरू हो गया, कोई हिंदी को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, कोई तमिल का, कोई तेलुगु का, कोई कह रहा है ये सब नहीं होने देंगे, तो भाषण दे सकता है, इसमें जो है उसको आज़ादी मिला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि देश को तोड़ने वाले बात करने लगे, अखंडता को नष्ट कर दे, ये नहीं कर सकता है।
अब देखिए इसमें आप देखेंगे ना आर्टिकल 29 एक क्लॉज में या दो क्लॉज में, तो देखिएगा कि आर्टिकल 29 का एक क्लॉज जो है वह किसी अनुभाग किसी नागरिक के अनुभाग सेक्शन वर्ग पे लगता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना उसके समूह पे लग रहा है। ये देखिएगा 29 का दो, ये देखिएगा कि व्यक्तिगत रूप से किसी पे लागू होता है, व्यक्तिगत रूप से जो उसकी अपनी जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा ये करता है, तो ये समूह की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब देखिए ये रक्षा कैसे होगा, खाली संविधान में लिख देने से थोड़ी होगा कि भैया जो है तू अपना संस्कृति को बनाए रख सकते हो, है ना, और भेदभाव नहीं करेंगे सरकारी शिक्षा संस्थान में, तो इसके आधार पर थोड़ी वो अपने प्रोटेक्शन कर पाएंगे, उसके लिए तो और प्रोटेक्शन जरूरी है ना। तो आर्टिकल 30 जोड़ दिया गया भाई साहब, 30 में लिख दिया गया है कि कोई भी माइनॉरिटी जो है अपना पसंद का शिक्षा संस्थान बना सकता है और उसमें पढ़ सकता है, अपने भाषा के रक्षा करने के लिए खुद का कॉलेज बना लीजिए और उसमें अपना पढ़िए, अपना भाषा का भी आपका रक्षा हो जाएगा, अपना धर्म की भी आप रक्षा कर लेंगे। तो अभी आप हम लोग देखते हैं आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति की रक्षा करने के लिए उसको अपना कॉलेज उलेज अपना स्कूल उस्कूल बनाने का अधिकार है। अब देखिए आप देखेंगे इसमें कि बहुत सारे माइनॉरिटी लोग हैं जो अपना अपना स्कूल कॉलेज बनाए हुए हैं, आप देखेंगे कि सेंट जेवियर है, सेंट थॉमस है, आप देखेंगे कि संत कोलंबस, इस तरह से बहुत सारे प्राइवेट जो क्रिश्चियन लोग हैं वो स्थापित किए हुए हैं, तो भैया वहाँ पे अपना वो शिक्षा देते हैं, अंग्रेजी माध्यम रखते हैं लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि हिंदी माध्यम वाला को वंचित कर देते हैं, वो रखते हैं उसमें, तो अपना लिपि की रक्षा करने के लिए, अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए, अपना धर्म की रक्षा करने के लिए कर सकते हैं, अपनी संस्कृति बचाइए भाई। तो वो इसके लिए भारत सरकार किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सरकार किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, और अगर अनुदान देने की बात होगी तो वो भी देगा, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसमें ये लिखा हुआ है, ये जान लीजिए कि अपनी संस्थान को स्थापित तो कर ही सकता है, उसको एडमिनिस्टर भी करना है, प्रशासन भी कर सकते हैं, माने उसमें स्टाफ का नियुक्ति कैसे करना है, टीचर लोगों को कैसे रखना है, सिलेबस क्या रखना है उस कॉलेज का उस स्कूल का वो निश्चित कर सकते हैं। बस उसमें एक बात ध्यान रखना है कि कुप्रबंधन नहीं हो, यानी कि मिसमैनेजमेंटे हो जाए, इसमें ऐसा ना हो कि अपना मन से आप जो है कि नियम कानून को तोड़ करके स्टाफ का नियुक्ति कर लीजिए, या ऐसा भी नहीं हो कि जो मन में आएगा उसी कर दीजिएगा, उसका भी एक दायरा होता है, ऐसा नहीं है कि आप उसके स्तरे को गिरा दीजिए एकदम जो है मिसमैनेजमेंटे करके अंडरझंड कुछ कर लीजिए, तो इसके लिए नहीं, कॉलेज बनाने के लिए और स्कूल बनाने के लिए आज़ादी मिला है तो ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ कर दीजिएगा, उसके लिए भी एक स्तर को बना के रखना जरूरी होता है ना। अब देखिए इसमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि क्या ये मुस्लिम का विश्वविद्यालय है क्या, तो नहीं है, इसको माइनॉरिटी विश्वविद्यालय नहीं माना गया है। अब आप कहेंगे कि माइनॉरिटी विश्वविद्यालय नहीं है तो मुस्लिम लोग ज़्यादा क्यों पढ़ता है, तो भैया वहाँ का कल्चर ही इसी तरह का है कि मुस्लिम लोग वहाँ पे जा करके उनको अच्छा महसूस होता है इसलिए उसमें जाते हैं पढ़ते हैं, पढ़ाई भी उसका स्तरीय है, अच्छा पढ़ाई माना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अब उसको अल्पसंख्यक काहे नहीं मानते हैं जबकि ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक लोग उसमें पढ़ते हैं, मुस्लिम बहुल वो विश्वविद्यालय है, तो इसीलिए उसको अल्पसंख्यक नहीं मानते हैं क्योंकि वह किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित नहीं है, वह तो संसद के द्वारा स्थापित है, संसद ने उसको अधिनियम बना के स्थापित किया हुआ है, तो वो कैसे होगा, तो सरकारी चीज़ ना है, उसमें कोई भी जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह से आप कहेंगे कि ये जो हिंदू विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्या वो हिंदू के लिए है, नहीं, उसमें तो कोई भी जाके इलाज करा लेगा, कोई भी जाकर के उसमें जो है पढ़ सकता है, उसमें भी बहुत सारा कोर्स चलता है, वो खाली हिंदू के लिए नहीं है, वो भी संसद के अधिनियम से ही बना हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब है सब, तो इस चीज़ को याद रखे रहिएगा। अब देखिए मदरसा, कुछ लोग कहते हैं मदरसा अवैध होता है, अरे मदरसा भी स्थापित करने का उसको अधिकार है, माइनॉरिटी है ना तो उसको स्थापित करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मदरसा में जो है सो वो कुछ ऐसे उलूल जुलूल चीज़ें को करने लगे, कुछ लोग कहें ना कि मदरसा में तो आतंकवादी पैदा करता है, अरे आतंकवादी पैदा नहीं होता है भाई साहब, वो धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लिपि की शिक्षा दे सकते हैं, अपनी भाषा की शिक्षा दे सकते हैं, वो कर सकते हैं, उसका भी एक स्तर बना के रखना जरूरी होता है, नहीं तो अपना बच्चा को कौन भेजेगा मदरसा में पढ़ने के लिए, उसमें हिल हिल के लोग पढ़ता है, हिल हिल के, तो खाली धर्म के शिक्षा के आधार पर भी तो आजकल नौकरी नहीं मिल रहा है, तो नौकरी के लिए तो स्तरीय शिक्षा लेना पड़ेगा ना, और भारत सरकार या फिर राज्य सरकार
यही जो शिक्षा के मामले में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के बेटा के लिए अलग शिक्षा है और चपरासी के बेटा के लिए अलग शिक्षा है, अंबानी के बेटा के लिए अलग शिक्षा है। अब नेता सब क्या करता है कि विदेश में भेजता है अपना बच्चों को पढ़ने के लिए, और यहाँ के जो लोग हैं उसका माइंड वॉश करके कहता है पत्थर चलाओ, धर्म के नाम पर तुम लड़ते रहो। तो देखिए, एक स्तर बना के रखना जरूरी होता है, तो सबको ये जरूरी है। अब इस चीज़ को आप समझ गए। अब हम लोग आर्टिकल 31 को देखते हैं और 32 को देखते हैं। अब आप आर्टिकल 31 को समझिए। देखिए 31 में क्या है, संपत्ति का मूल अधिकार था जिसको हटा दिया गया है संविधान से, उसको हटा के आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया है। देखिए उसको संविधान से नहीं हटाया है, कुछ लोग कहते हैं कि उसको संविधान से हटा दिया, संपत्ति का अधिकार संविधान में ही है, लेकिन उसका अनुच्छेद चेंज हो गया, अब वह मौलिक अधिकार नहीं होकर के एक प्रकार के संवैधानिक अधिकार बन गया, उसको आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया है। इसको कानूनी अधिकार भी कहते हैं। कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर होता है? मौलिक अधिकार जो होता है सरकार आसानी से नहीं छीन पाती है, उसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसकी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन जो कानूनी अधिकार होते हैं उसको आराम से सरकार छीन लेती है। एक छोटा बोंडर कोई नियम बना देगा और उसके तहत आपको छीन लेगा, तो आराम से आपकी संपत्ति को छीन सकता है। मान लेते हैं हम जहाँ पढ़ाते हैं, सरकार को मन करेगा कि नहीं यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे, और अगल बगल में सरकारी जमीन पड़ा हुआ है, उसको मन होगा कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे और ये हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसको दिक्कत हो रहा है इसके रहने से, तो क्या करेगा, कहेगा कि भैया तुम यहाँ से हट जाओ। से लेगी, पब्लिक पर्पस से लेगी कि नहीं लेगी वो भी सरकारें तय करती है। बस ये है कि वो ऐसे नहीं है कि बस कोई कलेक्टर को मन में आया, कोई एसपी का मन में आएगा, कहेगा कि छीन लो उसका संपत्ति तो छीन लेगा, कोई दरोगा का मन में आया ये नहीं छीन सकता है। उसके लिए भी एक विधि होता है, उसके लिए भी कानून होता है, उसके तहत ही उसको छीनना होगा। तब उसके बाद वो हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसको कहेगा यहाँ से हट जाइए, यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, आप कहीं और चलाइए, तो वो छीन सकता है, वो ले सकता है। इसके लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं और ना ही 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, बल्कि हम जा सकते हैं जरूर, लेकिन मौलिक अधिकार के लागू कराने के लिए नहीं, बल्कि एक साधारण कानूनी प्रक्रिया के तहत जा सकते हैं। तो इसको आप समझ गए। देखिए इसको हटा दिया गया कब, 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके उसको हटा दिया गया और उसको रख दिया गया आर्टिकल 300 क में। तो अब आप इसको समझ गए होंगे और अब आप समझिए। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 19 के 4 में भी है, यानी कि दो जगह था, एक आर्टिकल 19 के 6 क्लॉज में या फिर आर्टिकल 19 के 4 में, और दूसरा जो था वो आर्टिकल 31 में था, 31 का क ख ग। दोनों को ही अबोलिश कर दिया गया, दोनों को ही यहाँ से हटा दिया गया है और उसको 300 क में डाल दिया गया है। अब आप अनुच्छेद 32 को समझिए। इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या होता है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो इसको कहा है कि ये हार्ट और सोल है ना, आत्मा है पूरे संविधान का। हमारा संविधान जो है ना बहुत प्रकार का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का आधार, जीवन जीने का अधिकार, और भी बहुत सारे अधिकार देता है। अब उसका कोई ना कोई गारंटर तो होना चाहिए ना भाई साहब। आप भी सोना चांदी खरीदने जाते हैं या कपड़ा ही खरीदने जाते हैं या कोई इलेक्ट्रिक सामान, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि भैया इसका गारंटी कितना दिन का है, कहीं खराब वराब हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो गारंटी लेते हैं, सबसे पहले वो देते हैं। आपको जो मूल अधिकार मिला हुआ है उसका भी तो कोई ना कोई गारंटर होना चाहिए ना कोई उसका प्रोटेक्टर तो होना चाहिए। अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर जितना अधिकार आपको मिला हुआ है वो तो बेकार हो जाएगा ना, वो तो शून्य हो जाएगा, कोई मतलब का ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर साहब कहते थे कि जो आर्टिकल 32 है यह संविधान का आत्मा है, ये इतना महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ ये हार्ट भी है। इसको कहा जाता है कि संविधान का एक तरह से समझिए कि ये व्यक्तियों के जो जितने भी अधिकार मिला हुआ है उसका एक गारंटर है ये आर्टिकल 32। और आप जानते हैं कि गारंटर कौन है, गारंटर जो है हमारे वो हमारे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के मौलिक अधिकार का वो गारंटर है, वो गारंटी देता है कि भैया अगर आपका कहीं भी कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है, राज्य हो चाहे व्यक्ति हो, तो आप सीधे हमारे पास आ जाइए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वो सीधे आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे, ये बातें उसमें लिखी हुई है। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे लिखा है संवैधानिक उपचार। अब कहेंगे भैया संवैधानिक उपचार क्या होता है, रिमेडीज क्या होता है। देखिए डॉक्टर के पास आप जाते हैं कोई बीमारी को लेकर के, तो डॉक्टर क्या करता है, या तो अगर कोई घाव हो गया है जो बहुत भयानक है तो क्या करेगा, उसका सर्जरी कर देगा, उसको जो है चीर फाड़ करके उसको ठीक करता है, दवाई देता है, रिमेडीज उपचार करता है, वही ना करेगा जी। अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन कर दिया,
हनन कर दिया वो बात है, यानी कि पहले आपका हनन होना चाहिए किसी भी तरह से, तब जाकर के आपको उसका उपचार मिलेगा, तब आपको उसका समाधान मिलेगा, उसका इलाज मिलेगा, और उसका इलाज करेगा कोर्ट, न्यायालय करेगा। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए, इसमें यह खुद का एक मूल अधिकार है, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है भारतीय संविधान में, और चूंकि 32 जो है वह मूल अधिकार का ही पार्ट है, तो आर्टिकल 32 स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। उस 32 को कोई हटा नहीं सकता है, कोई सरकार छीन नहीं सकता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन करके भी उसको नहीं छीन सकती है सरकार या राज्य, क्योंकि वह खुद ही एक मौलिक अधिकार है। तो ये चीज़ें हैं। और मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता कौन है? यही 32, ये आर्टिकल 32 ही है जो मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है, नहीं तो मूल अधिकार अपने आप में ही कुछ नहीं रहता। अब आप इसको समझिए, आर्टिकल 32 के एक क्लॉज में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसका मूल अधिकार का हनन होता है वह स्वयं भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है उसको इन्फोर्स कराने के लिए, उसको लागू करने के लिए कि देख भैया हमारा मौलिक अधिकार छीन लिया है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये बहुत ही विस्तार है इसमें। अब देखिए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होगा खाली वही जाएगा कोर्ट में। अगर उसके सगे संबंधी है कोई, उसके दोस्त महीम है, या फिर कोई सोसाइटी है पंजीकृत होना चाहिए वो, या कोई एनजीओ है, वह भी रिट पिटीशन दायर कर सकता है, वह भी एक सुप्रीम कोर्ट से मांग कर सकता है कि भैया उसका मौलिक अधिकार का हनन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा, और उसको विचार करना ही पड़ेगा अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो। इसी में देखिएगा आप कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट निकालता है, 5 प्रकार का रीट निकालता है, वो रीट के जरिए ही व्यक्तियों का मौलिक अधिकार का वह संरक्षण करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। तो रीट निकालता है, रीट जो निकालता है वो जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ, यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष करिए, वो बताते हैं आपको किसी को अगर अवैध रूप से डिटेंशन कर लिया है, कैद उद में रख दिया है, तो कैसे उसको छुड़ाया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। परमादेश है, यानी कि मैंडमस जिसको कहते हैं, आदेश देता है ऊपर से ही कि भैया जो है तुमको ये करना होगा। कुछ प्रतिषेध है, रोकने का काम भी होता है, कुछ उत्प्रेषण है जो निचले अदालत से मंगा लेता है ऊपर का अदालत कि भैया ये तुम्हारे क्षेत्र में नहीं आता है, छोड़ो उसको, तुम हमारे पास भेज दो। एक है अधिकार परीक्षा, कोई कोई जो है वह किसी सरकारी जॉब को ले लेता है ना, तो किस हैसियत से मान लेते हैं फुलसवाजी में ले लिया है, तो वो भी उसकी नौकरी जा भी सकती है अगर कोई शिकायत कर दे तो, उसके बारे में भी अभी हम लोग देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि हमने यहाँ लिखा है लोकहितवाद। देखिए पहले क्या था कि एक जमाने में लोग समझते थे कि जिसका मौलिक अधिकार का हनन होगा वही जाएगा कोर्ट में, तभी कोर्ट सुनेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दायर करते हैं, जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको जनहित याचिका भी बोलते हैं, या इसको लोकहितवाद कहते हैं। ये जो लोकहितवाद है या जनहित याचिका, इसको कोई भी दायर कर सकता है, पंजीकृत सोसाइटी हो, NGO हो, कोई व्यक्ति हो, है ना, वो भी रीट पिटीशन दायर करता है कि भैया देखिए हमारे मौलिक, हमको जीवन जीने का अधिकार है, स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, और कहीं पे कोई फैक्ट्री खोल दिया है जो अधिकांश लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, वहाँ पोल्यूशन फैला रहा है, जैसे दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली में वो चला गया, कहा कि भैया एक वो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री के कारण जो है वो धुआं फैल रहा है, सबका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको PIL को स्वीकार कर लिया और तुरंत आदेश पास किया कि नहीं वहाँ से फैक्ट्री को हटाओ। लोगों को जीवन देने का गारंटी देता है हमारा संविधान, मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति को, उसका कोई छीन नहीं सकता है, तो कोई भी आदमी जा सकता है। और ये जो है ना, ये इतना विस्तार है कि इसके फायदा लेकर के बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा लिया, भारत को भी काफ़ी फायदा हुआ है इससे, कैदी लोगों को भी इससे फ़ायदा मिला है। कहीं कहीं पे आप देखें कि किसी फैक्ट्री में, एक हरियाणा में वो कांड हुआ था, वहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से काम करवाया जाता था मजदूरों से, 8 घंटा से ज़्यादा मजदूरी लेता था, बहुत बेकार कंडीशन था वहाँ के, वहाँ पे न रहने की व्यवस्था, न खाने पीने की व्यवस्था थी, न मजदूरों को ठीक से वहाँ पे काम करने की व्यवस्था थी, बड़ी अमानवीय स्थिति था। जैसे आप KGF फिल्म में देखिएगा ना, कैसे बंदी बना करके लोग काम करवाते रहता है, उस तरह की व्यवस्था थी। तो वहाँ भी गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस तरह से अव्यवस्था नहीं फैला सकते हैं आप। अब देखिए, वो जनहित याचिका दायर करके ही उसको रक्षा किया गया, और जनहित याचिका अनेकों बार, सैकड़ों बार दायर किया गया है, और सैकड़ों बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है, और इससे व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का बचाव हुआ है, और वाकई में एक लोकतंत्र जो होता है ना देश में, वो स्थापित हुआ है।
साथ ही साथ आप इसमें एक समझिए, एक शब्द आता है न्यायिक सक्रियता, वो क्या होता है, न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म। होता क्या है कि कभी कभी न्यायालय खुद ही अपना संज्ञान लेकर के किसी काम को करने लगती है और उसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता। ये भी जरूरी ही है लेकिन अपने दायरे में रह करके कभी कभी उसको लगता है कि नहीं मुझे इस पे काम करना चाहिए, तो वो कर सकती है, वह संज्ञान में ले सकती है किसी मैटर को। ये भी किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होने से बचाने के लिए भी हो सकता है ना। तो ऐसे आप इसको समझ गए हैं, अब आप एक एक करके इन सब चीज़ों को समझिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संसद को यह अधिकार है कि किसी न्यायालय को रीट निकालने के लिए वह उसको अधिकार दे सकता है। जैसे आपको मालूम है कि भारत में रीट निकालने का दो ही न्यायालय का अधिकार है, एक सुप्रीम कोर्ट को, एक हाई कोर्ट को। जितने भी हाई कोर्ट है सब रीट निकालता है, पाँचों प्रकार के रीट निकालता है। लेकिन अगर संसद चाहे तो कोई भी न्यायालय को जिसको रीट निकालने का अधिकार नहीं है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, तो उसको भी अधिकार दे सकता है। लेकिन संसद को अधिकार ही है, ये कोई ऐसे अधिकार नहीं है, संसद ऐसा काम कर सकता है। अब देखिए इसमें आर्टिकल 13 क्या कहता है। 13 कहता है कि कोई भी कानून जो किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार को छीनेगा है ना, तो उसको न्यायालय क्या करता है, उसको देख सकता है, इसका रिव्यू कर सकता है, उसका सर्जरी करेगा, देखेगा कि भैया ये अच्छा है कि नहीं, लागू होने वाला है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी का मौलिक अधिकार छीन रहा हो। तो आर्टिकल 13 कहता है कि वह एक आधारभूत एक तरह से विशेषता है संविधान का, तो न्यायालय किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, यह आर्टिकल 13 कहता है। और उसका प्रयोग करके, जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग करके जो न्यायालय है वह व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। अब देखिए आर्टिकल 359 में क्या है, आपातकाल के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं छीना जाएगा। आपातकाल अगर हो गए, राष्ट्रीय आपातकाल जिस वो 352 के तहत जो होता है उसमें कुछ व्यक्तियों का मौलिक अधिकार छीना सकता है, लेकिन 20-21 वहाँ भी नहीं छीनाएगा। आर्टिकल 20 और 21 जो है जिसमें गिरफ्तारी वगैरह से संरक्षण का है और साथ ही साथ दोष सिद्धि से संरक्षण है और जीवन जीने का और पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है उसको नहीं छीना जा सकता है। और 32 यह क्या है, आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ रिट निकालता है, और 226 के तहत हाई कोर्ट रिट निकालता है। तो आप इसको समझे हैं, अब आप एक एक करके सभी रीट को समझते हैं। समझिए देखिए रीट जो शब्द है ना, वह शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। रीट का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर। ये कौन देगा, कोर्ट देगा। कौन कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट देता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है, किसी नागरिक का हनन होता है, वह रीट जारी करवा सकता है। रीट पिटीशन दायर करना पड़ता है कोर्ट में, और कोर्ट जो है फिर वहां से अपना रीट जो है वह जारी करता है संबंधित अथॉरिटी को। देखिए होता क्या है इसमें, रीट जो शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का भी शब्द नहीं है, हिंदी का भी शब्द नहीं है। रीट 5 प्रकार का है, जिसमें आपको अभी हम बताएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश बताते हैं, फिर प्रतिषेध, और फिर आपको बताएंगे उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये सब देख लीजिए, एक एक कर को हम लोग डिटेल से इसको समझते हैं। देखिए पहले भी राजा महाराजा का जब शासन होता था तो वह भी आदेश जारी करता था, है ना, डंका बजवा देता था कि भैया ये आदेश है, उसको लोग मानते थे, मानना पड़ता था, राजशाही था। अभी जो है कोर्ट रिट जारी करता है किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक के मौलिक अधिकार के हनन होने पर। अब देखिए इसमें एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। अब ये हैबियस कॉर्पस क्या होता है, इसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करो, माने कोई ना कोई चीज को ये खोज रहा है, जिसको डिटेंशन कर लिया है, कैद कर लिया गया है, उसको कहता है सामने उपस्थित करो। कोर्ट में जो जज होते हैं ना, वह जारी करते हैं इस रीट को। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके उसको कैद कर दिया है, कैद करके उसको रखे हुआ है, अवैध है, वैध नहीं है। तब फिर अगर कोई भी व्यक्ति या कोई सगे संबंधी या फिर कोई एनजीओ वगैरह अगर जाता है कोर्ट में, कहता है देखिए फलाना जो व्यक्ति है ना भाई साहब, उसको अवैध रूप से पुलिस ने पकड़ा हुआ है, अवैध रूप से उसको लोक अधिकारी कैद करके रखे हुए हैं, उसको छुड़वाया जाए, तो जज साहब जो है ना उसको
कह सकते हैं उस लोक अधिकारी को कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया है, तुम उसको लेके आओ, सशरीर उपस्थित करो, हम देखेंगे मैटर क्या है। अगर उसको लगेगा जज को कि यह मैटर जो है इसको वाकई में अवैध रूप से पकड़ा गया है, तो उसको छोड़ देगा वो। तो ये इसीलिए जारी किया जाता है, इसका बहुत प्रयोग होता है। देखिए इसको थोड़ा और ढंग से समझिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू हैव द बॉडी या टू ब्रिंग द बॉडी, सशरीर उपस्थित करो। एक्चुअली क्या है, कानून में आपको हमने पढ़ाया था इससे पहले भी, आर्टिकल आपने 20 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने वहाँ पे, पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको 24 घंटा में मजिस्ट्रेट के यहाँ लेके जाना है, उसको वकील की भी व्यवस्था करना है। लेकिन अगर 24 घंटा में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया तो फिर उसको माना जाएगा कि ये एक तरह से अवैध कब्जा है ना, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई कोर्ट में जा करके हैबियस कॉर्पस पिटीशन दायर करता है तो उसको छोड़ना पड़ सकता है। अब देखिए इसमें आपको ये काम नहीं करता है, एक और उसमें था कि क्या किसी को अगर निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार कर लिया है, अपराध होने से पहले ही जब गिरफ्तारी हो जाता है निवारक निरोध में, प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो क्या ये संरक्षण मिलेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला? नहीं मिलेगा भाई साहब। उसमें तो न कोई वकील, न कोई दलील, न बिना FIR के सीधे गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करके 3 महीना तक तो आराम से रख देगा। आप वहाँ पे ये नहीं लगा सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट कि भैया उसको उपस्थित कर दीजिए, जारी कर दीजिए। देखिए इसको रखना बहुत ज़रूरी है। पुलिस वाले भी बड़ा जो है ये बहुत सारे लोगों को ऐसे ही पकड़ लेते हैं, और ऐसा भी मामला गया है 60% जो है बहुत सारे ऐसे गिरफ्तारियां हो जाती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, अवैध रूप से हो जाती है। आपने एक फिल्म देखा होगा जय भीम, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से एक जनजाति व्यक्ति होता है अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए पुलिस उसको पकड़ के रखता है, उसको डिटेंशन में रखता है, बताता भी नहीं है उसकी वाइफ को, वाइफ बहुत परेशान होती है। बाद में उसको कोई वकील मिलता है, सलाह देता है कि भैया कुछ नहीं करना है, सीधे हैबियस कॉर्पस दायर कर दो और उसके तहत उसको उपस्थित करना ही पड़ेगा। अगर गलत किया है पुलिस तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ भी देता है। अब देखिए इसमें है लोक अधिकारी के खिलाफ तो हो ही सकता है, कोई निजी व्यक्ति है उसके खिलाफ भी हो सकता है ना, कोई निजी व्यक्ति किसी को बंधक बना के रखे हुआ है उसके खिलाफ भी अगर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वहाँ भी वह उससे पूछ सकता है कि क्यों भाई, क्यों, क्या कारण है तुमने गिरफ्तार करके रखा है उसको, क्या कारण है तुम उसको कैद करके रखे हुए, उसको भी छोड़ना होगा। कोई NGO हो या कोई संगठन हो वो भी बंधक बना सकता है, कोई संगठन है जो बंधक बना लिया भैया, हो सकता है किसी कारण से बंधक बनाया हो, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, वहाँ भी ये जारी हो जाता है हैबियस कॉर्पस का जो रीट है वो। अब देखिए इसमें अगर कोर्ट ने ही आदेश दिया है उस आदमी को पकड़ने का लीगल रूप से, तो वहाँ पर ये दायर नहीं कर सकते हैं। किसी को कोर्ट ने सजा दे दिया 20 साल का, तो आप थोड़ी कह दीजिएगा कि जाकर के जो है कि हमको बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला रीट जारी करेंगे, भाई उसको सजा दिए हुआ है तो उसको करेगा। देखिए अगर ये नहीं मिलता ना तो बहुत लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। ऐसे बहुत बार ऐसा कांड हुआ है जहाँ पे इसका प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति था जिसको सजा सुनाया गया था, बेचारा 10 साल जेल में काट लिया था, उसके बाद भी जेल वाला उसको छोड़ा नहीं, उसकी सजा पूरी हो गई, फिर भी बाद में उसको हैबियस कॉर्पस लगाया गया। बाद में जब पूछा गया, जब जज के सामने ये मैटर गया, तो कहा ये तो ऐसे ही हमने अवैध रूप से इसको डिटेंशन करके रखा है, उसको तुरंत छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। एक जीता जाता उदाहरण है, अभी हाल फिलहाल में हैदराबाद में एक लड़की को रेप करके कोई जिंदा जला दिया था, उसमें 4 लोगों को पकड़ा था पुलिस वालों ने, हैदराबाद पुलिस ने, तेलंगाना पुलिस ने, और उसको स्थल पर ले जा करके वहाँ पे सीन को रिक्रिएट करने के बहाने उसको गोली मार दिया था, 4ों का फर्जी इनकाउंटर कर दिया था। ये अभी हाई कोर्ट में गया था केस, वहाँ पे ये साबित हो गया कि उन्होंने फर्जी इनकाउंटर ही किया था। अब पुलिस वालों पे इसका FIR चल रहा है। देखिए मान लेते हैं रेप हुआ, बहुत ही दुर्दांत घटना हुआ, लेकिन भाई अगर उस 4ों को जो आप मार दिए, वाकई में 4ों अपराधी था कि नहीं था, ये तो कोर्ट में जब केस चलेगा तभी तो मालूम पड़ेगा ना। अब पता नहीं उसमें कुछ और लोग शामिल हो, तो उसको तो आपने पकड़ा नहीं, आपने सिर्फ 4ों को पकड़ा और गोली मार दिया। हो सकता है उसमें कोई एक निर्दोष भी रहा हो, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा अधिक पॉलिटिशियन शामिल हो उसमें, या कोई और घटना का अंजाम दिया हो। तो भाई साहब ये जो फर्जी इनकाउंटर होता है ना, पुलिस वाले भी कर देते हैं, इसीलिए व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन न हो जाए इसलिए हैबियस कॉर्पस को रखा गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दूसरा रिट मैंडमस को समझिए, इसका मतलब होता है परमादेश। देखिए परम आदेश, मैं परमानंद सुने ना, परम आदेश, तो ये आदेश जो है ना सीधे ऊपर से आता है, किसको, जो पब्लिक ड्यूटी पर होता है
पब्लिक ड्यूटी कहने का मतलब है कि कोई पब्लिक के काम करने के लिए जिसको दायित्व दिया गया है, चाहे वह एसपी हो, कलेक्टर हो, चाहे दरोगा हो, चाहे वैसा कोई हेडमास्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई भी हो, उसको जो पब्लिक ड्यूटी करने के लिए दिया गया है और वह अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहा है, अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है, कोई आ रहा है उससे काम लेने, उसको मना कर दे रहा है, उसका काम ही नहीं कर रहा है, तब उसको परमादेश जारी किया जाएगा उसके खिलाफ। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाए और कहे या हाई कोर्ट में जाके कहे, तो उसके खिलाफ उसको पूछेगा, शो कॉज पूछ देगा उससे, कहेगा बताओ बताओ भाई क्या कारण है, शो कॉज माने कारण बताओ कि काहे तुमने ऐसा काम नहीं किया है, उस पर अनुशासनिक कार्रवाई भी हो सकता है, कभी कभी उसको नौकरी भी जा सकती है अगर वह गड़बड़ करता है ज़्यादा तो। लेकिन परमादेश होता है उसको अपने कर्तव्य पालन करने के लिए, उसको बोध कराने के लिए किया जाता है। देखिए परमादेश का मतलब होता है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। कौन आदेश दिया? कोर्ट आदेश दिया, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। वह किसके खिलाफ देता है? कोई भी लोकपद के अधिकारी हो पब्लिक ड्यूटी पर, या कनिष्ठ न्यायालय, छोटका जो न्यायालय होता है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसको भी जारी कर सकता है कि भैया तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसको भी आदेश देता है, उसी को बोलते हैं परम आदेश। साथ ही सार्वजनिक दायित्व करने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो जिसको सरकार रख लिया हो कि भैया तुम ये काम कर दो, लेकिन वह वो काम नहीं कर रहा है, तब तो दिक्कत होगा। एनजीओ है, एनजीओ को भी अगर पब्लिक ड्यूटी मिल गया है किसी तरह से, तो वो भी काम करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसको करना पड़ेगा। अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को काम लगता है, जैसे कल्याण विभाग में है काम लगता है ना, मान लेते हैं सीओ साहब का काम क्या है, आपके आवासीय जाति सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करना, और वो इनकार कर देंगे कि हम नहीं करेंगे इसके सिग्नेचर, गलत काम किए ना। आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, वहाँ से सीधे जो है परमादेश जारी करवा सकते हैं रिट, और वहाँ से वो आएगा पूछेगा, शो को पूछ देगा, काहे भैया आप अपना ड्यूटी काहे नहीं कर रहे हैं। या फिर मान लेते हैं सीओ को काम है जमीन उमीन माफी करवाने का काम है, आप उसको दे रहे हैं बार बार कि देखिए अतिक्रमण किया हुआ है स्कूल में, आप जो है बार बार सीओ को कहते हैं वो काम ही नहीं करता है, आप कोर्ट में जाइए कहिए कि भैया सीओ को हम बार बार आवेदन दिए नहीं किया है। अब वहां से डायरेक्ट पूछ देगा भैया कि काहे तुम नहीं किए हो, क्या कारण है, शो कॉज बताओ, काहे नहीं कर रहे हो। तो ये चीज होता है, आप किसी भी व्यक्ति को उसको काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, लेकिन वह उस काम को करने के लिए ऑथराइज होना चाहिए और उसके दायरे में होना चाहिए। ये नहीं कि वह उस काम के लिए है ये नहीं है, जबरदस्ती उसको कहेंगे कि वो काम कर लो तो कैसे करेगा, नहीं करेगा ना, तो उसके क्षेत्राधिकार में होना चाहिए वो काम, तभी वो करेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को परमादेश जारी नहीं होता है, ये कोर्ट उसको नहीं कहता है कि ये राष्ट्रपति महोदय जो है कि रायसीना हिल पे बैठ के क्या करते हैं, फलना काम करिए ना, आप नहीं करवा सकते इस तरह के। राज्यपाल को भी नहीं कह सकते हैं वो परमादेश जारी नहीं करवा सकते, आपको विश्वविद्यालय में वैकेंसी नहीं है ना, वो विश्वविद्यालय उन्हीं के अंदर में रहता है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि भैया हम कोर्ट में जाएंगे, राज्यपाल को आदेश जारी करवाएंगे कि भैया वैकेंसी काहे नहीं दे रहे हो, कॉलेज में प्रोफेसर सबका सीट खाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर लोग कैसे बनेगा, तो ये नहीं करवा सकते हैं। बहुत ऐसा काम होता है जो विवेकानुसार होता है ना, विवेकानुसार वाला काम में नहीं करवा सकते हैं, ये भी नहीं करवा सकते हैं, है ना, तो इस तरह से चीज़ों को नहीं करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि परमादेश नाम का कोई चीज़ होता है, कौन चिड़ैया का नाम है, किसी को बहुत 99% लोगों को नहीं पता है, इसलिए कोर्ट में भी नहीं जाते हैं, लेकिन जिनको पता है वो इससे लाभ उठाते हैं और इसका जो है फायदा भी उनको मिलता है। अब आप रीट जो, अब आप उस रीट को समझिए जिसको न्यायालय अपने से निचले न्यायालय को जारी करता है और उसको काम करने से रोक देता है। कौन कौन है देखिए, एक को कहते हैं प्रतिषेध और दूसरा है उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन इसका मतलब है, और ये है सर्च्योरियरी। ये क्या होता है, ये जो दोनों जो है ना, ये रीट यह अपने से निचले न्यायालय को जारी करता है, बाकी को जो तीन रीट है वो अलग अलग है, लेकिन ये दो रीट याद रख लीजिएगा, न्यायालय ही न्यायालय के खिलाफ यूज करता है। क्या होता है इसमें, देखिए इसमें आप ये समझिए कि उच्च न्यायालय जो है वह अपने से अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है, तो कहने का मतलब है कि उच्च न्यायालय कौन होगा, सबसे ऊपर शीर्ष पे कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बीच में कौन है, हाई कोर्ट है, और सबसे नीचे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है वह हाई कोर्ट के अधीनस्थ हुआ, और हाई कोर्ट जो है वह सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ हो गया, तो इसी को आप समझ गए हैं। अब इसको समझिए कि प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन, यानी रोकना, टू स्टॉप, रोक दिया, कोई काम अगर हो रहा है, मान लेते हैं कोई किसी को फांसी दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, और वो व्यक्ति चला गया, उसका रिश्तेदार जो है से कोर्ट में कहा कि भैया देखिए हाई कोर्ट में पहुंच गया, कहेगा कि भैया पटना वाला हाई कोर्ट को कि भैया देखिए वहाँ उसको फांसी लगाने की बात चल रही है, और उसका डेटो मुकर्रर कर दिया कि भैया इसको जो है ना, इसको 10 तारीख को फांसी दे दिया जाएगा। अब
कोर्ट में जाएगा, वह व्यक्ति क्या करेगा, पहले तो जनरल केस करेगा, जाकर के हाई कोर्ट में अपील करेगा, तब तो लंबा प्रक्रिया होगा, तबले तो इसको फांसी लग जाएगा, तो वो जाके सबसे पहले रिट दायर करेगा, वो कहेगा कि सर सर देखिए देखिए आप जो है इसको रुकवाइए, ये जो है पहले तो फांसी ना रुकवाइए भाई, पहले स्टे ऑर्डर लेना होगा उसको, तब जाकर के उसका जीवन बचेगा, तब सामान्य प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलेगा, उसको देखा जाएगा कि सही था कि नहीं था, तो पहले तो स्टे ऑर्डर चाहिए, नहीं तो फांसी लग जाएगा तो मरिए जाएगा, तो इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है। अचानक से कोई काम है उसको एकदम रुकवाना है, तुरंत रुकवाना है, तब यह इसका प्रयोग किया जाता है, इस रीट का। आप कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो होता क्या है इसमें, जनरली यह निम्नतम न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी होता है या अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी होता है, जो उस तरह के काम को करते हैं, न्यायिक वाला काम को करते हैं। अब यह जारी कब करता है, तो जारी करता है कि कोई ऐसा क्षेत्राधिकार का हनन कर दिया गया हो कि वह काम है उससे ऊपर के न्यायालय का, जैसे हाई कोर्ट का काम है, वो काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रहा है, तो वो कहेगा ना कि भैया कि रोको, तुम रोको उसको, तुम्हारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता ये सब, तुम वहीं पे रोक दो, तुम्हारा अब कुछ नहीं चलेगा, वहाँ पे बात खत्म हो गया, तो उसको वहाँ पे रोक देगा। इसीलिए इसको कहते हैं रोकने के लिए, या स्टे ऑर्डर इसको कहा जाता है। तो इसको आप समझ गए, इसका परिणाम होता है कि निर्णय रुक जाता है, स्टे ऑर्डर लग जाता है वहाँ पे। कहीं पर मान लेते घर गिराने का किसी को बना दिया कि भैया घर गिरा दो उसका, अब आपका कोर्ट में चल रहा है, आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये रिट दायर करिए वहाँ प्रतिषेध रिट, और वहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको जारी करेगा, नहीं तो जारी नहीं करेगा तब तक घर गिर जाएगा, घर जब गिर जाएगा तो मुकदमा लड़ने के फिर क्या होगा, आपको तो रोकवाना था ना, तो वो कर सकते हैं। अब देखिए उत्प्रेषण में क्या होता है, सर चोरी में क्या होता है, देखिए इसको कहते हैं पूर्णतया सूचित कीजिए, ये भी जो है ना जो ऊपरी कोर्ट होता है वो निचले कोर्ट को जारी करता है, कहता है कि भैया तुम जो फैसला ले रहे हो ना, या जो फैसला तुम ले रहे हो वह जो है वह फैसला तुम नहीं ले सकते हो, तुम उसको रद्द करो और मेरे यहाँ तुम भेज दो, हमारे यहाँ उस मैटर को भेजो, तो जरा हम देखते हैं कि कौन चीज़ है आखिरकार क्या चीज़ है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, छोटा कोर्ट है, या फिर कोई हाईए कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट से तो नीचे है, तो कोई हाईए कोर्ट है, वह अपने क्षेत्राधिकार का हनन कर रहा है, जो जितना उसको शक्ति मिला हुआ है उसके दायरे को तोड़ रहा है, या फिर वह कोई अनुचित निर्णय ले लिया, कोई ऐसा संविधान का कोई ऐसा कोई उपबंध है जिसका जिसके खिलाफ काम हो गया, या फिर कोई अप्राकृतिक होता है, जनरली तो होता नहीं है लेकिन हो भी सकता है, कोई ऐसा फैसला ले लिया गया हो जो अननेचुरल हो, अनरियलिस्टिक हो, जो इससे ऊपर के न्यायालय को ठीक नहीं लग रहा हो, अनुचित लग रहा हो, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भैया तुम्हारा जो फैसला अभी तक हुआ है वह निरस्त है, वह निरस्त कर दो और उसको तुम हमारे यहाँ भेज दो, हम जरा देखेंगे, हम सर्टिफाई करेंगे, तब मिलेगा उसको सजा, और क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो हम तय करेंगे, तुम वो पूरा मैटर पूरा जो है ना वो पूरे फाइल हमारे यहाँ भेज दो। तो इसी को बोलते हैं उत्प्रेषण सर्च्यूरी, यानी कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीट न्यायालय ही न्यायालय के खिलाफ में जारी करता है। अब आप को वारंटो को समझिए, यानी अधिकार परीक्षा रीट को समझिए। देखिए अधिकार परीक्षा का मतलब होता है, यहाँ पे लगा हुआ है अधिकार और परीक्षा, माने किस अधिकार से तुम वह काम को कर रहे हो, या कौन अधिकार है, इन व्हाट कैपेसिटी एंड इन व्हाट अथॉरिटी डू यू होल्ड दिस पोस्ट, तुम उस पोस्ट को किस तरह से पकड़े हुए हो जी, कैसे पकड़ लिए हो, अगर अनाधिकार और अवैध रूप से उस पोस्ट को उसने पा लिया है तो उस पे यह रीट जारी हो सकता है, उसकी नौकरी भी जा सकती है, उस सस्पेंड हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, कोई भी लोक पद के अधिकारी, कोई सरकारी नौकरी होता है, सरकारी नौकर होते हैं, वो जो नौकर होते हैं वह जनता के काम के लिए ही बने होते हैं, लेकिन मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो फर्जीवाड़ा करके नौकरी ले लिया हो, मान लेते हैं कि कोई वीडियो बन गया हो, अभी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, मान लेते हैं कोई व्यक्ति पीटीओ पास कर जाता है, मेंस और इंटरव्यू तक निकाल लेता है ऐसे ही बबलिंग कर करके और इसी तरह से फर्जीवाड़ा करके, और लास्ट में अगर कोई आदमी को मालूम हो जाता कि आदमी जो है फर्जीवाड़ा किया है, उसके पास सबूत होता, वो कोर्ट में जाएगा, वो कहेगा कि भैया जो है यह गलत तरीके से पकड़े हुआ है उस पोस्ट को, वो वीडियो बनने लायक नहीं था, फर्जीवाड़ा कर दिया है वो मिल करके कुछ लोगों के साथ, तो कोर्ट उसको जांचेगा, कहेगा कि भैया उसके खिलाफ जो है को वारंटो जारी कर देगा, कहेगा बताओ तो जरा तुम आखिरकार तुम इस पोस्ट को कैसे होल्ड किए हुए हो, तुम अपना सारा सर्टिफिकेट दिखाओ हमको, एकदम खखोर के मांगेगा, बताओ कहाँ कहाँ क्या किए हो, मैट्रिक कब किए, इंटर कब किए, बीए कब किए, कौन एग्जाम में कब बैठे थे, कैसे हुआ, कितना तुम्हारे पास बुद्धि है, ये सब जो चीज़ें चेक होगा तो पकड़ा भी सकता है, पकड़ा जाएगा, अगर पकड़ा जाएगा तो वो उसके पोस्ट से उसको सस्पेंड किया, उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, वो जेल में भी जा सकता है, फर्जीवाड़ा वाला चीज़ है ना जी। तो ये जारी होता है
सार्वजनिक पद धारण किए हुए व्यक्ति के खिलाफ या कोई सार्वजनिक कार्यालय को अवैध रूप से कब्जा किए हुआ है उसके खिलाफ भी जारी होगा। देखिए ये जो है ना अवैध रूप से होना चाहिए अनाधिकार, ये नहीं कि एकदम जायज रूप से परीक्षा वरीक्षा पास करके आया होगा एकदम सब चीज़ जायज होगा आप उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा लगाइएगा तो ये थोड़ी लगेगा। अधिकार परीक्षा उसी के खिलाफ लगेगा जो अवैध रूप से है और आपको पता हो सबूत हो आपके पास कि ये चीज़ें हैं। अब देखिए गाँव देहात में हम देखते हैं, शहर में भी देखिएगा, एक मुखिया पति पत्नी होती है मुखिया, लेकिन शासन कौन चलाता है उसका पति, फैसला कौन लेगा उसका पति। देखते हैं कि फर्जी सिग्नेचरों कर देता है अपने वाइफ के नाम पे, उसका सिग्नेचर जानता है कैसे होता है, वो जानते रहता है, कुछ करवाइएगा तो सिग्नेचर कर देगा, सब पंचायती में जाके वो फैसला करेगा। अरे भैया तो ये काम नहीं करना है, मुखिया ऑथराइज कौन है, उसकी वाइफ है, लेकिन ये बन गए उसको बोलते हैं मुखिया पति, बड़ा इसका इज्जत होता है, मुखिया पति, प्रमुख पति, तो फलना पति, चिलना पति, तो ये सब जो पति होते हैं ये ससुराल बड़ा खतरनाक, ये सब क्या करता है कि अपने वाइफ को कोई कोई कुछ नहीं चलने देता है, इस यही सब पूरा का पूरा अधिकार ले लेता है, अपने पास रखता है सारा का सारा जो है, और खुदे फैसला करेगा। इसके खिलाफ भी कोई आदमी जा सकता है, अगर ये फैसला लेता है तो कहेगा ना कि भैया तुम पंचायत हुआ तो उसमें तुम कैसे पास कर दिए इस चीज़ को, इस नियम को तुम कैसे बना दिए, तुम कैसे सिग्नेचर कर दिए वहाँ पे, तो वहाँ पे ये अवैध होगा। उसके खिलाफ भी अधिकार परीक्षा रीट जारी हो सकता है, उसे पूछा जा सकता है कि कैसे हैसियत से तुम ये काम कर रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे नर्स, आप देखते हैं ना कि हॉस्पिटल वगैरह में जाइएगा कहीं कहीं पे तो आप देखिए कि नर्सें ऑपरेशन कर देती है, वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, नर्स ही ऑपरेशन करवा देते हैं नर्से से। अब नर्स को नहीं करना है, कौन है, डॉक्टर ने उसके लिए ऑथराइज है, अब नर्स कर दिया, भैया नर्स का काम जो है वो नर्स करेगी, डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर को करना है, लेकिन ये भी कर दिया तो ये कभी कभी तो जीवन खतरे में पड़ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर चला जाए कोर्ट में तो पूछा जाएगा उस डॉक्टर से कि भैया ऐसा कैसे हुआ कि तुम्हारा नर्स जो है वहाँ पे कर दिया, तुम कहाँ थे, है ना, तभी कहेगा ना कि हम इसलिए कर दिए क्योंकि डॉक्टर साहब नहीं थे या फिर डॉक्टर साहब किसी दूसरे का ऑपरेशन कर रहे थे, जीवन को बचाना बहुत ज़रूरी था उस व्यक्ति का भी, तो अपना अगर वो देता है अपना अच्छा सा कारण बताता है तब तो वो बचेगा, नहीं तो अधिकार परीक्षा वाला चक्कर में वो भी जा सकता है, उसकी नौकरी तक जा सकती है। तो आपने देखा कि ये पांच रीट है, ये पांचों रीट जो है उसको आपने अच्छे ढंग से समझ लिया है। अब आप क्या करिए कि आर्टिकल 32 और 226 में अंतर को समझिए। देखिए आर्टिकल 32 क्या कहता है, आपका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये पांच प्रकार के रीट जारी करेगा, नहीं तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ये भी पांच प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार रखता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। देखिए आपका मौलिक अधिकार का जब हनन होगा आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में तब आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार नहीं हो और कोई अन्य अधिकार हो, जैसे कोई संपत्ति आपका हथिया लिया है, संपत्ति का जो हथिया जो अधिकार है वो तो मौलिक अधिकार रहा नहीं है ना, आपका मान लेते कोई ज़मीनें हथिया लिया, आपके ज़मीन पे कोई घरें बना दिया, कोई नाला खोद दिया, तो कुछ भी कर दिया, तो आप सीधे सीधे नहीं जा सकते हैं कोर्ट में कि देखिए भैया हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो गया, 32 के तहत नहीं जा सकते हैं, लेकिन 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वो कहेगा कि ठीक है तुम्हारा मौलिक अधिकार तो नहीं है 226 के तहत तो हम उसको नहीं लेंगे, लेकिन है ना भैया अधिकार, वो कानूनी अधिकार तो है ही है, तो उसके आधार पे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि अदर जो भी जो अलग किस्म का जो जो केस होता है उसको हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो इसमें देखते हैं कि दोनों में आपको कौन लग रहा है बड़ा, आपको कभी कभी लगेगा कि 226 बड़ा है क्योंकि यह सिर्फ मौलिक अधिकार को सुनता है आर्टिकल 32, लेकिन आर्टिकल 226 जो है मौलिक अधिकार के अतिरिक्त भी जो अधिकार होते हैं अदर राइट्स होते हैं उसको भी ये देखता है 226। इसीलिए हम तो कहते हैं भाई साहब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने से ज़्यादा अच्छा है कि हाई कोर्ट में चले जाइए। ऐसे भी आप देखते हैं कि भारत जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है भारत, आप देखते हैं कि यहाँ पे है दिल्ली में एगो सुप्रीम कोर्ट, और किसी व्यक्ति को मान लेते हैं यहाँ पे कन्याकुमारी में कोई कांड हो गया वो कैसे जाएगा भैया वहाँ पे, तो उसके लिए तो अच्छा होगा कि भैया यहाँ पे तमिलनाडु में चेन्नई कोर्ट में चले जाइए हाई कोर्ट में, इसको भी तो रीट निकालने का अधिकार है, आराम से चले जाइए। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट बोल रखा है कि आप हमारे यहाँ आने से पहले अपने नज़दीकी के हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए अगर आप डायरेक्ट हमारे यहाँ आएंगे तो हम पूछेंगे आपसे कि भैया आप बगल में हाई कोर्ट था तो काहे नहीं गए, इसके पास ऐसी लंबित केस है, एक ही को केस 10-10 साल 15-15 साल लेकर चलता है, तो फिर
वहां जाने से ज्यादा अच्छा है कि नजदीकी के हाईकोर्ट में चले जाइए। अब इस दोनों में एक और अंतर है, एक तो इसका क्षेत्र विस्तार ज्यादा है, इसका कम है। दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वह हर हाल में एक्सेप्ट कर लेता है ना, ये इसके विवेकाधिकार पे नहीं है। ये नहीं कि जज साहब अपने वाइफ से लड़ के आए हुए हैं, उनका मूड खराब है, वो कहेंगे रे तुम्हारा मौलिक अधिकार का हनन हो गया, नहीं लेंगे जाओ फिर भी, ये नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हर हाल में इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन हाई कोर्ट जो होता है ना उसके विवेकाधिकार पे है, वह सोचेगा समझेगा उसके बाद ही ले सकता है। तो इसमें दोनों का दायरा में थोड़ा सा ये है कि ये विवेकाधिकार पे है, आप जबरदस्ती इन्फोर्स हाई कोर्ट से नहीं करा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से करा सकते हैं। लेकिन दायरा किसका ज़्यादा बड़ा है, वो हाई कोर्ट का बड़ा है। अब आप दोनों के बीच में अंतर को भी समझ गए हैं, अब आप आर्टिकल 29, 30, 31 और 32 को अच्छी तरह से समझ गए हैं। आई होप आप क्या करिएगा कि आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप कितना समझे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें तब तक के लिए जय हिंद।